जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। हबक्कूक की मार्फत जो खुदा का कलाम है, राइटिंग है, स्क्रिप्चर्स हैं, दूसरा बाब पहली आयत से पढ़ेंगे, तीन आयत तलावत की जाएंगी, आपने गौर से सुनना है। मैं अपनी दीदगाह पर खड़ा रहूंगा और बुर्ज पर चढ़कर इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है, और मैं अपनी फरियाद की बाबत क्या जवाब दूं। तब खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और फरमाया कि रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख के लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सकें, क्योंकि ये रोया एक मुकर्रा वक्त के लिए है, ये जल्द वकू में आएगी और खता ना करेगी, अगरचे इसमें देर हो तो भी इसका मुंतजिर रह, क्योंकि ये यकीनन वकू में आएगी, तखीर ना करेगी। देख मुतकबर आदमी का दिल रास नहीं है, लेकिन सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। आमीन आमीन। और आज बहुत ही स्पेशल संडे है जिसमें हम रोया पे बात करना चाहते हैं। किस पे? रोया पे, विजन। और जो आपका चर्च है इसके पास एक रोया है जिसको समझना, जानना और जानकर उसमें काम करना बहुत जरूरी है। अभी हमने पढ़ा है जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। तो इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में से कुछ बातों को सीखें, देखें, विजन जो होती है, विजन रोया, ये वाज़ेह होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। अगर तस्वीर धुंधली हो तो सम टाइम क्या होता है कि जो तस्वीर में शख्स होता है उसको शिनाख्त करना मुश्किल होता है। इसलिए रोया जो होती है ये साफ होनी चाहिए। इसलिए हबक्कूक जब दुआ कर रहा था तो उसको खुदा ने जवाब दिया कि सफाई से लिख। कैसे? सफाई से, साफ नजर आए, आसानी से पढ़ा जाए,
और असल जो इब्रानी मतन है हमारे पास तो नहीं है, लेकिन इब्रानी जो मतन है इसका मतलब है, हो सकता है कि तेरी रोया इतनी वास्या हो कि जो कोई तेरी रोया को पढ़े या सुने वो तेरे साथ दौड़ना शुरू कर दे। आमीन, हालेलुया। इसलिए रोया को समझना बहुत अहम है, जरूरी है। और जो रेजरेक्शन ऑफ चर्च मिनिस्ट्री है इसके पास रोया है, विजन है। और आज मैं चंद एक मिनट आपसे बात करना चाहता हूं, फिर हम इस पैसेज में से देखेंगे कि खुदा क्या कहता है, कलाम क्या हमसे कहना चाहता है। पहले नंबर पर हमारी रोया की जो स्टेटमेंट है वो वाज़े है, मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर क्या करूंगा, जाहिर करूंगा। आमीन। तो इसका सादा सा मतलब यह है कि हमारे पास जो रोया है, जो विजन है या आसमानी टारगेट है हमारे पास, उसमें जो बातें शामिल है वो है तालीम। सबसे पहले क्या है? तालीम, एजुकेशन। और इसमें दो तरह की तालीम शामिल है। इससे पहले के ये मैं बताना चाहता हूं, होशिया की मार्फत खुदा ने कलाम किया और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है चौथे बाब की छठी आयत के अंदर, मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ नॉलेज इज इटसेल्फ अ डेथ। इल्म का ना होना अपने आप में एक मौत या एक कहत है, जिसमें लोग टटोलते तो हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन वो ग्रोथ नहीं करते। वो टारगेट, वो मंसूबा जो उनके पास होता है वो उसे अचीव नहीं कर पाते। इसकी वजह है एब्सेंस ऑफ नॉलेज। इससे पहले ये बिल्डिंग बन थी, ये बिल्डिंग इंजीनियर के जहन पर थी, इधर थी, इधर कहां पर, किस कहां से आई, जब उसने सीखा। आमीन। तो वो बिल्डिंग यहां पर आई, यहां से निकलकर एक वर्क पर आई जिसकी कीमत हजारों में बदल गई। आमीन, हालेलुया। तो इंजीनियर के पास जो रोया होती है वो उसके जेन से निकलकर उसके कागज पर जब आती है, इसलिए खुदा ने कहा लिखने साफ साफ। और हमने नक्शा बनवाया अपने घर का, तो हम समझ रहे थे कि वो पास्टर माइकल का दोस्त है, वो फ्री बनाएगा, लेकिन उसने 10,000 रुपए लिए एक छोटे से कागज के, जिस पर सिर्फ थोड़ी सी लकीरें थी, लेकिन वो लकीरें अपनी शख्सियत में, अपनी जात में इतनी पावरफुल थी कि वो खूबसूरत बिल्डिंग को तामीर करने में हमारी मदद कर सकती थी। इसलिए रोया को समझना बहुत अहम है, जरूरी है। एजुकेशन रोया की जान है, ताकत है। एजुकेशन रोया को इंपावर करती है, जोरावर बनाती है, इख्तियार वाला बनाती है। इसलिए हमारे पास जो रोया है इसमें बोथ काइंड ऑफ एजुकेशन है। पहले नंबर पर स्पिरिचुअल एजुकेशन है, खुदा के कलाम की एजुकेशन है। हमने अपने चर्च को रूहानी नहीं बनाना, क्या नहीं बनाना, रूहानी नहीं बनाना। जी 40 साल की मेहनत करने वो किधर जानी, असि तो जोर लाया रूहानी बन जाओ, रूहानी बन जाओ, रूहानी बन जाओ, रूहानी बन जाओ, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? हमने अपने लोगों को समझदार रूहानी बनाना है, समझदार, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी,
متوازن روحانیت جس کا ایک بیلنس ہو, ایک سکیل ہو, پیمائشی آلے کے طور پر جو ناپی جائے تو وہ پوری نکلے. خدا نے نبی سے کہا, اموس سے, میں شہول لے کر ان کی پیمائش کروں گا. شہول کیا ہے؟ وہ لاٹو جڑا ہوتا ہے, مصری کو جڑا لاٹو نام کو کہتے ہیں, وہ پہلے بناتا ہے پھر سال لٹکاتا ہے, دیکھتا ہے ایک ادھر بھنڈی اتنی مانگی جو پھر سال اسے کہتی ہے شہول, وہ پھر اس کے مطابق وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. تو نالج کا ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے کلام میں امثال کی کتاب میں لکھا, خدا کی آنکھیں علم کی حفاظت کرتی ہیں. علم کیا ہے؟ سولوشن ٹو یور پرابلم. علم انسانی مسائل میں حل کا نام ہے. آمین. اور دوسری ایجوکیشن, پاکلام میں رومیو کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے, وہ سمجھ نہیں رکھتے. غیرت ہے, پیشن ہے, جذبہ ہے, لیکن کیا نہیں ہے؟ سمجھ نہیں ہے. تو ہمیں کیا رکھنی ہے؟ روحانی سمجھدار ہمیں بننا ہے. دوسری ایجوکیشن وہ ہے ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے, وہ ایجوکیشن کے ہاتھ میں ہے. دانیل مقدس بابل کے اندر تھا, بادشاہ نے اسے چنا, لیکن اپنے سامنے کھڑا کرنے سے پہلے اس نے دانیل کو سکول میں بھیجا, زبانیں سیکھی دانیل نے. جب اس نے زبانیں سیکھی تو دانیل نے جتنا زیادہ بادشاہ کے مسائل کو حل کیا ہے کسی نے نہیں کیا. دوسری بات, ہمارے پاس جو رویا ہے اس میں لیڈرشپ امپاورمنٹ ہے. ہمارے جو بچے یہاں سے تیار ہوں گے, ہمارے پاس ابھی کچھ نہیں ہے, لیکن یہ میں اپنی رویا بتا رہا ہوں کیونکہ ایک اینڈ ہو جانا ہے, اینڈ ہو جانا ہے. لیڈرشپ امپاورمنٹ سے کیا مراد ہے؟ ہم جو بچے ہمارے شاگرد ہوں گے, ہم کل کو انہیں ہو سکتا ہے, اگر آپ میں سے آپ کا پورا پورا خاندان آپ کے بچے وفادار رہیں گے خدا اور اس رویا کے ساتھ, ہو سکتا ہے کل کو آپ کے بچے بھی پاسٹر مائیکل کی طرح میں بھی جاؤں گا. ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے, کوئی وسیلہ نہیں ہے, لیکن خدا نے میرے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں اور میں باہر تعلیم بھی حاصل کروں گا اور منادی کرنے بھی جاؤں گا, اور خدا ہمارے بچوں کے لیے بھی یہ راستے کھول سکتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ سے وعدہ نہیں کر رہا, آپ نے اس بات کو غور سے سننا ہے, لیکن خدا ایسا کرے گا. آمین. تو ہم چرچ پلانٹ کریں گے جس میں مختلف علاقے ہوں گے, ہمارے بچے وہاں پر جائیں گے اور وہ پاسبانی خدمت وہاں پر کریں گے. اور تیسری بات ہمارے ویژن کے اندر جو شامل ہے وہ ہے پیپل ڈیولپمنٹ, لوگوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا, انہیں ترقی کی راہ پر کیا کرنا, لے کر جانا. دو طرح کی اس میں بھی ترقی ہے, اسپرچولی اکنامیکلی, روحانی اور مالی. کون سی؟ مالی. مالیات کی ضرورت ہے اس ویژن کو پورا کرنے کے لیے. کس کی ضرورت ہے؟ مالیات کی ضرورت ہے, آپ کے پیسے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ آپ کی ویژن ہے. اور اس میں چوتھی بات جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اسپرچوئل گروتھ, روحانی ترقی. کون سی؟ روحانی ترقی. ایفیسیوں کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے, ہمیں نجات اپنے کاموں سے نہیں ملی بلکہ کیسے ملی ہے؟ مسیح کے فضل سے ایمان کی بدولت. ہم کیا ہیں؟ راستباز ہیں, نجات یافتہ ہیں, اور ان نجات یافتہ لوگوں کو اکوپ کرنا
इन्हें लेश करना, इन्हें डिसाइपल करना और इन्हें सिखाना, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है, ये हमारी तरजीह है सबसे बड़ी। आमीन। ये हमारी विजन है, ये हमारी क्या है, रोया है। और इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ में पहले नंबर पर बात आती है मुकद्दस लोग कामिल बने। कौन बने कामिल? मुकद्दस लोग। और जो लफ्ज कामिल है इसका मतलब हो सकता है जैसे कोई हड्डी टूट जाए तो वो काम नहीं कर सकती प्रॉपर, और तकलीफ रहती है उसमें, उसमें परेशानी रहती है। अगर एक शख्स का बाजू टूट जाए तो वो अपने उस बाजू से काम नहीं कर सकता बेहतर तौर पर, बल्कि हम सब उसे मना करेंगे, ओ भाई ठीक थे हो जा कर लो, सारी उम्र काम करना है, ऐसे कहते हैं ना हम। कौन कौन नहीं कहता है? बड़े थोड़े लोग कहते हैं। तो मुकद्दस लोग काबिल बने, इसका मतलब हो सकता है टूटी हड्डी को जोड़ देना ताकि वो वापस अपने प्रॉपर काम को कर सके, ताकि मुकद्दस लोग क्या बने, काबिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए। आगे क्या लिखा हुआ है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? और मसीह का बदन तरक्की करे। आमीन। और आप गौर से सुनना है, हम रूहानी तौर पर उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकते जब तक हम मसीह यीशु की हजूरी में, जो मसीह में हमारी शिनाख्त है और जो हमारा सर्वांगहुड है, उसको हम जान नहीं जाते। अपने आप को मसीह में जानना और अपने काम को मसीह में समझना, ये दो बातें बहुत अहम हैं और पैरेलल हैं, एक साथ चलती हैं। हम जितने भी लोग निजात पा चुके हैं, तौबा कर चुके हैं, हम सब मसीह के गवाह बन गए हैं। हम सब क्या है, मसीह के गवाह बन गए हैं। इसलिए फिर हमें यह बताना चाहिए कि मेरी शिनाख्त क्या है और मेरा काम क्या है। हमारी शिनाख्त के ये है कि हम खुदा के मसीह में बेटे और बेटियां हैं, और हमारा काम क्या है, सर्वांगहुड, खिदमत हमारा काम है। हमारा क्या काम है? खिदमत हमारा काम है। खिदमत का कोई मतलब यह नहीं है कि आपको ओहदा दे दिया जाए, आपको कुछ बना दिया जाए। खिदमत का सादा सा मतलब है मसीह के लिए मौके तलाश करना ताकि हम लोगों को मसीह की स्लीप से वाकिफ करा सकें, अपने काम पर, अपने घर में, अपने अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, आप जहां पर भी हैं, आपके पास मौका है, आप मसीह को वहां पर पेश करें दो बातों से, अपनी शिनाख्त से और अपने काम से। आमीन। जीसस, मसीह ने क्या कहा? मसीह पर सवाल उठा, अब्लीस ने मसीह को एक सवाल किया, अगर तू खुदा का बेटा है इन पत्थरों से कह क्या बने, रोटी बने। गौर से सुनना है, बाद हमारे पास भी मौके आते हैं
अपने आप को सेव करने के, बचाने के, और उस बचाने के पीछे हमारी जुबान का गलत इस्तेमाल होता है। और फिर हम कहते हैं ओ यार असी फिर काम भी तो करना है ना, की करना है काम भी कैसी करना है ना। दानियल भी काम कर रहा था, नहमिया भी काम कर रहा, जोसेफ द मैन ही वॉज वर्किंग एज वेल, यूसुफ भी काम कर रहा। पिछले दिनों एक कहानी मुझे सुनने को मिली, खुदा का एक खादिम बता रहा था कि उनके काम पर वॉशरूम इस तरीके से बना हुआ है कि उसके आगे भी एक कमरा है, तो अक्सर पता नहीं चलता कि वॉशरूम में कोई है। तो उन्होंने क्या किया, दरवाजा बंद कर दिया, लॉक कुंडी लगा दी। तो अंदर एक अफसर बैठा हुआ था, तो उसको परेशानी होगी क्योंकि उन्होंने अंदर तार दिता है। वो जो निकलिया तो बड़ा गर्म, उन्हें बंदे कट्ठे कर लाए, लो जी उन्हें क्या के शरारत है, किन्ने किया है वो जिदे को होया सी अनजाने में मिस्टेक कर ली। उन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था, उन्होंने कहा सर ये गलती मुझसे साबित हुई है, ते इदा असर पता की होया, उन्हें कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने उन्हें कहा वेल डन, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। इसलिए दूसरी बात, मसीह का काम जब तक हम रूहानी तौर पर तरक्की नहीं करेंगे हम अच्छी खिदमत नहीं कर सकते। आमीन। लफ्ज रोया, रोया क्या है, लफ्ज रोया का जो मतलब है इसका मतलब है देखना, क्या करना, देखना, देखना, और इसका मतलब है देखना और जानना। और इसका एक और मतलब है देखो। आमीन। और जो लफ्ज देखो है ये अटेंशन मांगता है। अक्सर जब कलाम सुनाते हुए कहते हैं गौर से सुनना, गौर से, तो जब लफ्ज हम कह रहे हैं देखो इसका मतलब है पूरी तवज्जो से सुनो। और जब लफ्ज देखो लग जाता है किसी भी चीज के साथ तो इसका मतलब होता है कि गौर से सुनो, तवज्जो से सुनो, पूरी अकल से सुनो, पूरी समझ से सुनो। और जो फिर इसका मतलब यह हुआ कि विजन, सिर्फ हमने विजन देखना नहीं है, सिर्फ उसे जानना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी कमिटमेंट के साथ उस पर काम करना है। उस पर क्या करना है, काम करना है। और जो लफ्ज विजन है बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामा के अंदर, ये उस वक्त इस्तेमाल हुआ, इस लफ्ज का भी मतलब है, क्योंकि ये सेप्टुजेंट तक जो अब्रानी का यूनानी तर्जमा है उसमें जो लफ्ज है वो सेम है, और उसका मतलब भी है देखना, जानना और देखो, देखना, जानना
कमिटमेंट करते हैं उसको करने के लिए। इसलिए इस लफ्ज का मतलब है देखना। और ये लफ्ज उस वक्त इस्तेमाल हुआ जब यीशु पहाड़ पर दुआ करने के लिए गया और कलाम कहता है यीशु की सूरत बदल गई, उसकी सूरत सूरज की रोशनी से भी ज्यादा तेज हो गई और उसका चेहरा उसकी पोशाक नूर बन गई। और उसकी सूरत जब बदल गई तो उसके ऊपर दो नबी आए, मूसा और एलिया। वो मसीह से बातें करना शुरू हो गए और वो मसीह को कह रहे हैं जो काम तू जमीन पर लेकर आया है वो ये है कि तुझे मरना है, तुझे अपनी जान कुर्बान करनी है, तुझे सलीब पर मरना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सलीब पर मरना, लेकिन उन्होंने मसीह को याद करवाया कि तुझे क्या होना है, मरना है। और कलाम में लिखा है यीशु की सूरत बदल गई। जब यीशु की सूरत बदल गई तो यूहन्ना के की अंजील कहती है मसीह दुआ कर रहा था 97 बाब में अपने शागिर्दों के लिए, उनके वसीला से ईमान लाने वाले शागिर्दों के लिए। कलाम के अंदर लिखा हुआ है जब मसीह दुआ कर रहा था यीशु ने कहा ए बाप मेरा जलाल मुझे वापस दे जो इब्तदा से अपनी पैदाइश से तेरे साथ रखता हूं। मसीह जब सूरत बदल गई पहाड़ पर तो असल में मसीह की जो अलूहियत है, मसीह की जो खुदावंदियत है, मसीह खुदा है, खुदावंद है, तशलीश का दूसरा अकनूम है, बराबर है बेचे हुए बाप के रूल कुछ के। जब मसीह की सूरत बदल गई तो पतरस और यकूब और यूहन्ना ने देखा और कहते हैं हम 3 डेरे बनाएंगे, लेकिन यीशु ने ऊपर से आवाज आई नहीं इसकी सुनो। और मसीह ने कहा जो कुछ तुमने देखा, विजन का क्या मतलब है देखना, रोया, गौर से सुनिए, रोया हमें इस काबिल बनाती है कि खुदा के दिल में क्या है हम उसे समझे, उसे जाने और उसके मुताबिक काम करें। आमीन। रोया इज मोर स्पिरिचुअल देन आईसाइट, नजर आने से बढ़कर रोया रूहानी है। आमीन। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? रोया का मतलब है खुदा के दिल में जाकर देखना खुदा क्या कहता है, खुदा क्या चाहता है आपकी कलीसिया से, आपके पास्टर से। आमीन। ये मतलब हो सकता है रोया का, लेकिन कलाम कहता है जहां रोया नहीं लोग बेकैद हो जाते हैं। लोग क्या होते हैं? बेकैद हो जाते हैं। गौर से सुनिएगा जो लफ्ज बेकैद है इसका असल जुबान में मतलब हो सकता है, असल जुबान के अंदर इसका पता क्या मतलब हो सकता है? लोग अपने कायद खुद बन जाते हैं। इसका मतलब है लोग अपनी जिंदगी को चलाने वाले बन जाते हैं खुद से, अपनी मर्जी से। और इसलिए फिर क्या आती है? हलाकत आती है। क्या आती है? हलाकत आती है। इसका मतलब है अपना लीडर आप बन जाना, अपनी मर्जी का लीडर बन जाना, अपनी मर्जी का खुद तो की बन जाना, लीडर बन जाना और अपनी जिंदगी को अपने मुताबिक चलाना, ना कि कलाम के मुताबिक। और वो सिहर एक जिंदगी जो अपनी अकल से चल रही है, वो
वो बेकैद है. देर आर नो बाउंड्रीज, कोई हद नहीं है उनकी जिंदगी की. इसलिए हलाकत उनका इंतजार कर रही है. अपनी जिंदगी के लीडर बन जाना. और इसका एक तर्जमा है टू एक्सपोज. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी जड़ों को खोखला कर देना. दरख्त की जड़ें जब खोखली हो जाती हैं, दरख्त का अगला जो मरहला होता है जिंदगी का वो क्या होता है? मौत. इसका मतलब है टू एक्सपोज योरसेल्फ टू एनिमी. दुश्मन पर हमारे राज का खुल जाना, दुश्मन का हमारी ताकत को समझ जाना, हमारी एम्पावरमेंट क्या है, सोर्स ऑफ लाइफ क्या है. टू एक्सपोज हर वो जिंदगी जो अपने आप को चला रही है, एक्सपोज है. ये खोखली है, ये जाहिर हुई हुई है दुश्मन पर. और दुश्मन ठीक उसी जगह पर एटम बम गिराएगा जहां पर तेरी कमजोरी है. और रोया के बगैर लोग खोखले हो जाते हैं. एक सचमा खादम बताते हैं इसका मतलब है जड़ से उखाड़ कर फेंक देना. इसलिए जो कोई भी अपनी जिंदगी को चला रहा है, कल एक शख्स, एक मेरा नौजवान खूबसूरत बेटा, वो मुझे कह रहा था ओहो उन्हें एंग नहीं कह रहे कि मैं खुद तो बना के दास है. ओए होए होए क्यों यार, वो बड़ा मसाशुदा शख्स है. ओके फाइन, गॉड ब्लेस यू मोर, बट हु ही इज, हूज सन ही इज, वो किसका बेटा है, किसके तुख्म से उसने रूहानी तौर पर पैदा होने का तजर्बा किया है, किसकी अनॉइंटिंग को वो सर्व कर रहा है. दैट्स द मैटर. अबलीस भी मसाशुदा था, लेकिन जब लीडरशिप से निकल गया, ही वॉज थ्रोन डाउन, उसे फेंक दिया गया जमीन पर. और कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनके बारे में यहूदा कहता है उन्हें हमेशा के लिए खुदा ने बंद कर दिया है. वी आर एक्सपोज्ड. हम खोखली जिंदगियां गुजार रहे हैं. We never listen the vision, the leader. हम ना खादम की सुनते हैं ना रोया को समझते हैं. That is dangerous. You are exposed. जंग लग गया है तेरी जड़ों में. इसलिए इस लक्ष्य का मतलब है अपनी जिंदगी को खुद से चलाना. और जो लफ्ज एक्सपोज है, गौर से सुनिएगा, प्लीज गौर से सुनिएगा, फिर हम दुआ करेंगे थोड़ी देर के बाद. इस मीरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अंदर इसका तर्जमा ऐसे हुआ है टू एक्सपोज का. इसका तर्जमा ऐसे हुआ है तहफ्फुज़ से महरूम कर देना. आपको बचाने वाला कोई ना रहे, साथ सीधा सीधा मतलब तो बचाने वाला ही कोई नहीं है. एक और इसका मतलब है मीरियम वेबस्टर डिक्शनरी में फेवर से निकल जाना. फेवर क्या है? हमायत. हमायत का मतलब है हमें कोई वो चीज दे दे जो ना हमारी मेहनत ने कमाई हो, ना हमारे जोर से वो काम हो.
लेकिन हमें वो मिल जाए, इसको फेवर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जो फेवर खुदा ने दुनिया में हमारे चर्च के लिए रखी है, अगर ये चर्च लीडरशिप से निकल जाएगा, वो डोनर, वो हमारे हमारी सपोर्ट करने वाले, हम उनसे महरूम हो जाएंगे। मैं एक शख्स को कुछ देना चाहता था, गौर से सुनिएगा, इसलिए नहीं कि वो हमारे साथ काम करता है, इसलिए नहीं कि वो उसके पास खिदमत है, लेकिन एक काम मैंने उसे दिया, गौर से सुनिए, उसने नहीं किया, तो जो कुछ मैं उसे देना चाहता था मैंने उसे नहीं दिया। हम बॉयज का खेत तो चाहते हैं, लेकिन नोमी की बैलवाई नहीं करना चाहते हैं। बॉयज का खेत नोमी की लीडरशिप की अनॉइंटिंग में है। द मोर शी ओबे, द मोर द हार्ट ऑफ बॉयज विल ओपन। जितना ज्यादा वो नोमी की पैरवी करेगी, उतना ज्यादा खुदा बॉयज के दिल को खोल देगा उसके लिए। हमारा बॉयज हमारा इंतजार कर रहा है, लेकिन हम नोमी की फर्मा बरदारी नहीं करना चाहते। We want boys without Nomi. There are no boys without Nomi. Nomi के बगैर boys नहीं मिलते। एक शख्स का जिक्र है बाइबल में, उसका नाम समसून है, सैमसन, the mightiest man on earth. जमीन पर सबसे ज्यादा जोरावर शख्स, गौर से सुनो, जजिस, काजी की किताब में यह वाक्या दर्ज है, और काजी की किताब कहती है जिस शख्स को जो अच्छा लगा उसने करना शुरू कर दिया। जिस शख्स को, गौर से सुने, आमीन, हालेलुया। जिस शख्स को जो अच्छा लगा उसने वो करना शुरू कर दिया, और जब उसने वो करना शुरू कर दिया तो काशी की किताब कहती है एक बार बार अपने कारचे ही गुलाम हुए, अपने कारचे ही। इट्स नॉट अबाउट इस कलाम का यह ताल्लुक नहीं, आपको क्या पसंद है। कलाम इस बात की नहीं परवाह करता आपको क्या पसंद है, कलाम इस बात की परवाह करता है कि कलाम ने जो कहा है अगर कोई वैसा ही करेगा वो आजादी में चलेगा। यूसुफ कहता है गुलाम तो है ना, पर कलाम एक कहता है मेरे दिल में जो बात मेरे बाप ने बोई है, मेरे लीडर ने जो बात मेरे दिल में रखी है वो ये है। कलाम जो ताया हुआ है वो यकूब से मुझे मिला है, मेरे लीडर से, मेरे कायद ने मेरे दिल के अंदर ये बात रखी है। yes. और वो ये है कि बेगाना औरत फंदा है, बेगाना माल लालच है,
लालच बुत परस्ती के बराबर है, लेकिन ये नौजवान कहता है खुदा ना करे मैं खुदा का गुनाह करूं, और वाकया इसकी मुसीबत बढ़ गई, इसकी मुश्किल बढ़ गई, अच्छा जोगा चला गया, अच्छी पोशाक चली गई, अच्छा इख्तियार चला गया। लेकिन अनॉइंटेड अनॉइंटेड होता है, जो कायद के नीचे रहकर काम करता है वो जेल खाने में हो जेल खाने का दरोगा होता है, वो घर में हो घर का दरोगा होता है, वो फोर्टिफार के घर में हो उसके घर में दरोगा होता है, वो फेराउन के सामने हो फेराउन का दरोगा होता है, उसे दरोगा बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। अपने आप को लीड करने सैमसन द मैन, वाओ व्हाट अ मैन, जोरावर। अगर जिम्नास्टिक ये आज मुकाबला होना ना उदे वर्गा बंदा ही किसी लगता है ऐसा रे फेल फेल नक्का। और एक स्टेटमेंट भी खुदा ने इसके लीडर्स को, और वो स्टेटमेंट ये थी इसके पैदा होने से पहले कि तेरे सर पर कभी उस्तरा नहीं फिरेगा। दैट वॉज द वर्ड ऑफ His leaders, आसमान से आया हुआ कलाम जो उसके मां बाप के पास जो उसके कायद थे उसने उन्हें दिया और उन्हें सिखाया। मुंडिया गल गवर्नर सुन जी, यस सर, ए याद रखी कभी तेरे सिर ते उसरा नहीं लगना चाहिए। ओके सर, जब तक ये इस स्टेटमेंट के ताबे रहा, उसकी सबमिशन में रहा, पहला काम इसकी जिंदगी के अंदर क्या हुआ? रूहुल कुद्स इसे तहरीक देना शुरू हो गया। पहली बात जो हमें मिलती है बरकत में हमारे खादम के ताबे रहकर वो ये है, हम रोल कुच के फ्लो में आ जाते हैं, रोल कुच की शख्सियत हम पर काम करती है, पाखरू हमें घेर लेता है, हम पर साया कर लेता है, पाखरू हम पर इख्तियार जमा लेता है, क्योंकि पाखरू आसमानी है और वो काम जो उसके खादम में से उसको मिला था कि तेरे सर पर उस्तरा ना लगे, ये कलाम भी आसमानी था। जब तक ये उस कलाम के ताबे रहा इसने बड़े बड़े काम किए, इसने फिलिस्तीनियों को मारा, इसने शेरों को फाड़ दिया, इसने फिलिस्तीनियों की फौजों को मारा। द मिनट जिस लम्हे इसने अपने आप को लीड किया he become blind, ये अंधा हो गया। मैंने पहले बताया बेकैद का मतलब है टू एक्सपोज योरसेल्फ टू एनिमी, अपने आप को दुश्मन, आपके जो ताकत का राज है दुश्मन को दे देना, जड़ें खोखली हो जाना। सैमसन की जड़ें जब दिलैला ने खोखली कर दी तो सैमसन के बाल काट दिए, और वो बरकत वो आसमानी बरकत था जो इसके बालों के ऊपर नहीं थी, इसके अंदर थे। बाल निशान थे, निशानों में बरकत नहीं होती, निशान बरकत दिखाते हैं। इसलिए जब बाल काट दिए गए इसकी आंखें निकाल दी गई, द विजन वॉज टेकन अवे, रोया छीन ली गई। रोया का क्या मतलब है? देखना। क्या क्या मतलब है? देखना। he was blind, he become blind।
अंधा हो गया. Nothing for Samson. आज तू अपनी जिंदगी को चला रहा है. तू कहती है तेरी कोई बाउंड्री नहीं है. खादम सुनो, अगर अपनी मर्जी वाले ले, यू आर कैदी इनसाइड. बदन आपका आजाद हो सकता है लेकिन इनसाइड यू आर ए कैदी. यू हैव नथिंग टू रिजॉइस ओवर. पास्टर्स, एल्डर्स, डीकन सुने, खादम सुने, चर्च सुने, लेकिन लेकिन लगा इना मतलब उम्मीद बाकी है. लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है. शरीयत क्या है? सिम्मत. शरीयत क्या है? डायरेक्शन. सिम्मत क्या है? इंस्ट्रक्शन, हदायत. शरीयत क्या है? कानून. लेकिन कानून की नजर में चलने वाला मुबारक है. क्या है? मुबारक है. खुदा ने अब्राहम से कहा, मेरे हजूर चल और कामिल हो. इससे पहले खुदा ने कहा, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे. इधर देखें, अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने नातेदारों को छोड़, और जो जगह मैं तुझे दिखाता हूं उसमें चला गया. और वो चला गया और आगे खुदा ने कहा, सारी कौमें तेरी नस्लों से बरकत पाएंगी. और जो लफ्ज मुबारक है, जो डायरेक्शन में चलते हैं, जो एक सिम्मत में चलने वाले लोग हैं, उनकी बाबत कलाम कहता है. उनकी बाबत कलाम क्या कहता है? वो मुबारक है. वो क्या है? मुबारक है. जो हदायत पर चलते हैं, काम जैसा दिया जाए जो वैसा करते हैं, वो क्या है? मुबारक है. और कानून उनकी हिफाजत करता है. कानून क्या है? खुदा का कलाम. खुदा का कलाम कितना मजबूत है? जितना कलाम करने वाला मजबूत है. और भी कुछ चाहिए? मुबारक है. लफ्ज मुबारक का मतलब है वो सीधा बड़ा चले जाता है. सीधा, इधर उधर नहीं. शिदाजी एम नहीं बाजता हो. वो सीधा बड़ा चला जाता है. सीधा लफ्ज मुबारक का मतलब है सीधा बढ़ना अपनी डेस्टिनी की तरफ. और इस लफ्ज के पीछे एक तस्वीर है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. इब्रानी जो लफ्ज है, हर लफ्ज की एक तस्वीर है. और यहां पर जो लफ्ज अब्रानी में इस्तेमाल हुए हैं उनकी एक पिक्चर है. जब गवर्नर सुनना है थोड़ी, जब औरत पेट से होती है, इससे मुराद बच्चे को पैदा करने वाली होती है. गवर्नर सुनना, गवर्नर जो शरीयत पर अमल करते हैं वो कितने ताकतवर हैं. गवर्नर सुने, गवर्नर फिर समझ आएंगे. जब बच्चा रहम में बन रहा होता है तो एक स्टेज आती है कि जो बच्चा बन रहा होता है उसकी जो ये स्पेस होती है, नेवल इसे कहते हैं, और ये खुराक माँ के रहम में जहां पर खुराक होती है
उसके साथ ये जोर से अटैच हो जाता है। जब अटैच हो जाता है तो बच्चा जब तक पैदा नहीं होता, मां जो कुछ खाती है उसकी ताकत बच्चे में ट्रांसफर हो रही होती है। किसमें जा रही होती है? बच्चे में। और बच्चा बढ़ रहा होता है, ताकत वाला हो रहा होता है, उसके पट्टे बन रहे होते हैं, हड्डियां बन रही होती हैं। किसकी? कहां से खुराक जहां से आ रही है, जहां से क्या आ रही है? खुराक आ रही है। और बच्चा एक वक्त आता है, बच्चा अंदर ही अंदर महसूस करना शुरू कर देता है, अपनी माँ की आवाज को पहचानता है, अपने बाप की आवाज को पहचानना शुरू कर देता है। और जो लफ्ज मुबारक है इसके पीछे तस्वीर है, क्या तस्वीर है? कि जो शरीयत पर अमल करता है, जो कलाम पर अमल करता है, वो खुदा की जात में पैवस्त है। और जो कुछ खुदा के अंदर है, आमीन हालेलुया, जो कुछ खुदा के अंदर है वो उसमें ट्रांसफर होता है, वो उसकी ताकत बनता है, वो उसकी अथॉरिटी बन जाता है। इसलिए जो कोई शरीयत पर अमल करता है वो खुदा में लगाया हुआ है। आमीन। कहां पर लगाया हुआ है? जिड्डा मजबूत खुदा ओडी मजबूत ओदी ती ते तीए कबराही ना। असी खरीदनी है जमीन पिछली। तेरा इनकम का सोर्स क्या है? तो खुदा में लगाया हुआ है। अगर वो अपनी सप्लाई रोक ले तू क्या करेगा? तू क्या करेगी? और एक बात बता के खत्म करता हूं, बेकैद लोग उस वक्त होते हैं जब शरीयत के खिलाफ काम करते हैं। कब लोग बेकैद होते हैं? जब कलाम के खिलाफ खड़े होते हैं। हर वो शख्स, हर वो बहन, हर वो फैमिली जो अपने पैसे को अपनी अकल से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कैदी हैं, आप मरने वाले हैं। पैसा आपका नहीं है, आप लगाए कहां पर गए? किथे लाए पैसे? तो फिर पैसा किधर होया? शिदा जी इधर ना है वड्डा जब तेरी जिंदगी का सोर्स तेरा खुदा है। Never, this point is the point of khuraak. आहा, तो अगर आप अपने पैसे को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बेकैद हैं। सोना मेरा है, चांदी मेरी है, जानवर मेरे हैं, जमीन की मामूरी मेरी है। इंजीनियरिंग बंदे बैठे ने जिन्होंने दो दो साल दो हजार नहीं दिता, परवाह ही नहीं है। और वो उनके हाल देखे जाके उनके घरों में। मनी इज अ मैटर। मेरे उस्ताद कहते हैं जहां पर आपका पैसा खर्च होता है वैसी आपकी जिंदगी है। अगर आपका पैसा आपके जिस्म पर जाहिर सिर्फ खर्च होता, जिस्मानी है, आप रूहानी नहीं है। मेरे उस्ताद का कहना है जब ईमानदार देता है वो अपनी जेब से नहीं दे रहा होता, वो आसमानी जेब से दे रहा होता है। तो असी कह गए ओ तू ही कर रहा, तू ही कर रहा। What is this? इधर हाथ मिलाओ। मेरे पैसे से खरीदी जाएगी। और आज मैं जान गया हूं कि मेरी जिंदगी को पालने वाला कोई और नहीं है, वो खुदा बाप है जिसने मसीह में मुझे खरीद लिया है। और अब मैं अपना नहीं हूं।
पास इस जमीन पर आसमानी काम होगा। पास्टर्स तैयार होंगे, लीडर्स तैयार होंगे और ये जमीन मेरे पैसे से खरीदी जाएगी। किधर ना ऐसी दुआ करांगे बारो खुदा का लेगा बंदा। ओ जरा तीनों किताब किधर जा सदा की चारा कर लो ए तो डे पैसे ना मैं खरीदनी है जगह। और मैं लेने जे पैसे फिर ना कहना आमीन। What a word! Yes. क्या कलाम है? Yes. मुबारक मुबारक नहीं बनना पैदा शरीयत कलाम पे अमल करो मुबारक खुद हो। आमीन। हालेलुया। हदिया का गीत गाए उठाने वाली टीम Jesus. Amen. Amen. Amen.